अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। तो जैसे कि पैटर्न के हवाले से आजकल वीडियोस चल रही हैं और बहुत सारे पैटर्न, काफ़ी सारे पैटर्न जो हैं वो निकल चुके हैं। कुछ इश्यूज, छोटे मोटे सवालात जो कि मैंने एक एक करके सबको मैसेज पर भी हर किसी को गाइड किया है, लेकिन सोचा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स लेती हूँ जिन पर मैं प्रॉपर एक वीडियोज आपके लिए शेयर करती हूँ। कुछ शॉर्ट्स में भी शेयर करूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी कि शॉर्ट्स बनाऊँ ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो सके इस चीज़ की। तो अभी जैसे ये मैंने यहाँ पे मीडियम शर्ट का पैटर्न रखा हुआ है, बहुत सारे लोग देखने वाले ऐसे हैं जिन तक पैटर्न पहुंच चुका है और बहुत सारों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। कुछ को समझ आ गई, कुछ को नहीं आई, कुछ कंफ्यूज हैं। जाहरी सी बात है कि एकदम एक नई चीज के साथ आप कटिंग कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन बनती है, लेकिन बिल्कुल टेंशन की कोई बात नहीं है। ये पैटर्न बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक है। आपने सिर्फ छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करना है और उन पे तफसीलन काम करना है। जैसे कि एक शर्ट का पैटर्न है, उसमें आपको मीडियम फ्रंट दिया गया है, मीडियम बैक दी गई है जो कि फुल नीचे तक है, आपकी चॉइस है। अब आप इसको ए लाइन करें, शॉर्ट करें, लॉन्ग करें, फुल दी गई है वो। उसके अलावा इसमें नेक लाइन्स दिए गए हैं, बेसिक नेक लाइन्स दिए गए हैं, चकोर, गोल, वी और बैक की जो कटिंग है। उसके अलावा बीच में अब हमने बैंड को भी ऐड कर लिया है, बैंड की जो नेक लाइन है। इस पर एक प्रॉपर वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी ताकि आप लोगों को इसकी अच्छे से गाइडलाइन मिल सके। और एक अदद स्लीव आपको दी गई है जिसमें फ्रंट बैक की कटिंग बहुत इजीली है। जिनको पैटर्न पहुंच चुके हैं उनको साथ हमने इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं कि आपने साथ साथ लाइन से कटिंग करना है। अच्छा, ये जो एक स्लीव है इसकी हमने एक में ही फ्रंट बैक की जो कटिंग होती है उसको मेंशन किया। ये आपको पीछे लाइन नजर आ रही है और फ्रंट लाइन ये है, उसमें मेंशन किया आप इसकी पहले प्रॉपर कटिंग करें और उसके बाद आप इसको खोल के डीप कटिंग कर सकते हैं जो फ्रंट की हमारी साइडेड है। तो ये एक शर्ट पैटर्न में आपको ये तमाम चीजें मिलेंगी। अच्छा, पॉइंट कुछ ऐसे हैं छोटे मोटे कि जैसे यहाँ पे अगर हम शर्ट को बराबर कर रहे हैं, चेस्ट को आपस में बराबर कर रहे हैं, तो हमारे पास देखें बैक से भी गैप आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम इसको प्रॉपर लाइन टू लाइन इसको बराबर करते हैं तो यहाँ पे भी आधे इंच का गैप आ रहा है। जैसे कि फ्रंट का जो पैटर्न है वो हमने हाफ दिया हुआ है वेस्ट तक, तो आपने इन लाइंस को आपस में बराबर करना है। ये वाली लाइंस तो बराबर होंगी होंगी, लेकिन ये जो ब्लैक लाइन है और इस लाइन को आपस में आपने बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट बराबर अगर आप करते हैं तो फिर देखें ये ऊपर से भी फर्क है और यहां से भी अगर हम इसको प्रॉपर बराबर करते हैं यहां से, तो ये देखें आप बैक भी हाफ इंच से भी कम थोड़ी सी बड़ी है। ये थोड़ी सी जो बड़ी है ये कवर आपकी हो जाएगी। आप लोगों ने कुछ भी ट्रिम नहीं करना, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि फ्रंट को रख के आपने बैक को रख के पहले सारी शर्ट की कटिंग करनी है, उसके बाद फ्रंट को रख के आपने अपनी सारी फ्रंट कटिंग कर लेनी है। अब इसमें करना ये है कि बैक को इतना ही बड़ा रखना है, इसको भी बड़ा रखना है, आपने ट्रिम किसी चीज को नहीं करना। उसमें ये होगा कि जो हमने ये बैक बड़ी रखी है, देखिए जब ये आगे की तरफ फोल्ड हो रही है ना, तो ये इसके साथ टच हो रही है, और जब ये इसके साथ टच हो रही है अगर हम इसको सारा बराबर करते हैं ना, तो ये आगे की तरफ आधा इंच आपकी सिलाई जरूर आनी चाहिए आपकी शर्ट की। आपकी स्टिचिंग ऐसी होनी चाहिए कि ये आधा इंच आपका जो शर्ट है वो आगे जरूर आए। अब जब ये यहां से देखे मैंने इसको फोल्ड किया तो इसका कर्व बिल्कुल बराबर हो गया, इसमें किसी भी किस्म का गैप नहीं आया। जब आप इसमें स्लीव्स अटैच करेंगी तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से कोई गैप आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने फ्रंट बैक को इकट्ठे कट कर दिया, यानी फ्रंट बैक आपका बिल्कुल इक्वल कट हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये चीज बड़ी हो जाएगी और ये फिर कवर नहीं होगी, इसको हमें ट्रिम करना पड़ेगा और बैक से आपको फिर खींच पड़ेगी। इसके बाद जो पैटर्न्स आप ये पैटर्न्स जो तैयार किए गए हैं, वैसे तो मैंने अपनी तमाम वीडियोस में, बहुत सारी वीडियोस में आपको ये गाइडलाइन दी हुई है कि तीरे में मार्जिन रखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब गले कटिंग होते हैं तो वो ऑलरेडी फैल जाते हैं। लेकिन चूंकि ये पैटर्न है इनको हमें ऑथेंटिक तैयार करवाना है और तैयार करके आप सब तक पहुंचाना है, तो आप सब ने इसको कटिंग करना है, इस पे कपड़े स्टिच करने हैं, इसलिए इस पे कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं की जा सकती थी। अब बहुत सारे सवालात थे कि आपने मीडियम, जैसे हमने एक साइज चार्ट भी तैयार किया गया है, तो उसमें ये चीज बहुत सारे सवाल थे जी कि मीडियम, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास मीडियम पड़ा हुआ है, मीडियम साइज आपका जी 15 इंच तैयार है, लेकिन ये तो 8 और 8 16 बन रहा है। देखिए 8 और 8 16 अगर ये बन रहा है तो आपने, मैंने इसमें सिलाइयों का हाफ से भी आधा आधा इंच जो है वो मार्जिन रखा है, क्योंकि आप एक बंदा किसा कटिंग कर रहा है, एक किसा स्टिच कर रहा है, ये चीजें ज्यादा की गुंजाइश, ज्यादा की वो जो साइज अगर खुला है उसकी ठीक हो सकता है आपका ड्रेस, लेकिन अगर आपका साइज बिल्कुल प्रॉपर, अब अगर मैं मार्जिन ना देती इसमें और हर बंदा इस हिसाब से कटिंग करता है, वो स्टिचिंग में कितना ले रहा है अंदर, ये तो किसी को नहीं पता होता, वो हर किसी का अपना अपना हाथ बैठा हुआ होता है।
उसकी वजह से आपका तीरा कम पड़ जाता है, तो आप लोगों को ये ज्यादा कंप्लेन होती कि हमारे तीरे से तो खिंच पड़ रही है। इसीलिए ये थोड़ा सा फ्री हैंड किया हुआ है कि आपको आसानी हो। और हमेशा जो साइज चार्ट दिए जाते हैं वो तैयार के दिए जाते हैं, आप हमेशा एक तैयार साइज पर ही अपना साइज लेते हैं या अपने लिए ड्रेसेस बाय कर। अब ये 8 और 8 16 इंच अगर है तो आधा आधा इंच जब आपकी ये शोल्डर में स्टिच होकर आधा इंच लेफ्ट आधा इंच राइट जब स्लीव्स में चला जाएगा तो आपका ऑलरेडी 15 इंच तीरा तैयार आ जाएगा मीडियम में। इसलिए हर चीज एक्यूरेट पहले खुद चेक की गई है फिर आप तक पहुंचाई है। जैसे ये देखिए जी आर्म होल, अगर हम इसको कर्व में सारा साइज में अगर आपके लिए लेती हूँ तो ये 9.5 इंच का फ्रंट, और अगर हम इस पे मतलब पूरा राउंड अबाउट अगर आर्म होल निकालना चाहें तो हमारे पास आ रहा है जी के 18.5 इंच का आर्म होल आ रहा है हमारे पास, ये अगर हम इसको राउंड अबाउट देखें तो। इसी तरह हमारी जो स्लीव्स है ये बिल्कुल बड़ी नहीं होगी, आप इसको इजीली मेजर कर सकते हैं, इसकी सारी जो शेप है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको अगर मेजर करती हूँ तो ये देखें जी ये आ रहा है तकरीबन 19 से 1-2 सूत्र ये ज्यादा आ रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में बताया कि ये स्लीव्स ये आर्म होल का कर्व होता है, और जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है आधा इंच बाजू को बढ़ा के रख दिया करें साइज में तो मसला नहीं होता, इसलिए हमने इन चीजों को भी उसी के अकॉर्डिंग तैयार किया हुआ है ताकि आप लोगों को स्टिचिंग में कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आधा इंच स्लीव बड़ी है और आधा इंच आर्म होल छोटा है, क्योंकि जब आप इसको अटैच करेंगे कर्व में जब ये फैलेगा तो आपका एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ना आपको शर्ट खींचनी पड़ेगी ना आपको स्लीव खींचनी पड़ेगी। इसी तरह से जो नेक लाइंस आपको दी गई हैं साथ मीडियम जो मीडियम के साथ मीडियम है, लार्ज के साथ लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज, अब ये बेसिक्स हैं। देखिए आपने ये साइज निकाल लिया, आपने लेंथ निकाल लिया, अब आप इसी पे रख के आप अपना स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये राउंड है तो आप इसको कट बना सकते हैं, ये वी है वी पे आप डिजाइनिंग बना सकते हैं, चकोर को बहुत सारे डिजाइन पे आप लेकर जा सकते हैं। ये बैक की नेक है जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि बैक कितने इंचेस पर होनी चाहिए कैसी शेप होनी चाहिए, तो ये देखें बेहतरीन किस्म का पैटर्न आप लोगों के लिए दे दिया गया। बाकी बैन है तो इस पे मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो दूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। ओके जी, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज।